अच्छा डॉक्टर साहब, चूँकि आप भी आजकल के दौर की खातून हैं, पढ़ी लिखी खातून हैं, आपके ख्याल से इसके अंदर अगर आपकी मैं साइंस डॉक्टरी निकाल दूँ एक खातून होने के नाते, आपको क्या लगता है कि बेहतर लाइफ का सिस्टम क्या है? तो मुझे ऐसा लगता है कि जॉइंट फैमिली सिस्टम थोड़ा सा बेहतर है। जॉइंट फैमिली सिस्टम ना तो जॉइंट फैमिली सिस्टम मतलब हम मिडवे निकालते हैं, ना ही हम ये कहते हैं कि हमें न्यूक्लियर रहना है और ना ही हम ये कहते हैं कि हमें जॉइंट रहना है। हम थोड़ा मिडवे देखते हैं जिसमें हम कहते हैं थोड़ा सेमी जॉइंट फैमिली। जी सर, एक घर में लोग पोर्शंस डिवाइड कर लेंगे, ऊपर का हमारा है, नीचे का तुम्हारा है, वो साथ भी है और इंडिपेंडेंट। बिल्कुल ऐसा ही, आप सब एंजॉय करें अपनी अपनी लाइफ, लेकिन जब आपको नीड है कोई कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। फॉर एग्जांपल कोविड में अगर हम बात करें तो कोविड में जॉइंट फैमिली सिस्टम सबसे बेस्ट रहा है। उसका रीजन क्या था? बिकॉज सब एक साथ हैं, तो वो जो आइसोलेशन है और जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे थे वो नहीं हो सके, बिकॉज सब एक दूसरे की मोरल सपोर्ट के लिए थे। लेकिन इसके कंट्रास्ट में अगर न्यूक्लियर फैमिलीज को देखें तो उन्होंने बहुत सफ़र किया, बिकॉज वो घर में चार लोग हैं, वो चार लोग भी आपस में कितनी बात करें और कितना इंटरेक्शन करें, फिर उन्हें बाहर के लोग चाहिए इंटरेक्शन के लिए या बात करने के लिए। तो इस तरह के जो है वो कोविड और पेंडेमिक की सिचुएशन में हम ये कहते हैं कि हमें जॉइंट फैमिली रिक्वायर्ड होती है, तो इसलिए हम कहते हैं सेमी जॉइंट फैमिली। ये मेरी एक टर्म है, सेमी जॉइंट फैमिली, हम अभी डिस्कस कर रहे थे, मिडवे हो जाएगा जिसमें आप ठीक है अपना टाइम लो, अपनी चीज़ों को खुद मैनेज करो, लेकिन अगर आपको आपकी इतनी अंडरस्टैंडिंग आपकी बाकी सारे फैमिली मेंबर्स से है कि अगर आपको कभी रिक्वायर्ड है उनकी कोई सपोर्ट तो आपको वो भी मिले। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आप लोग मीडिया और सोशल मीडिया के अंदर देखते हैं, हमारे ड्रामास का बहुत इन्फ्लुएंस होता है एंड पाकिस्तानी ड्रामा इज़ वाइडली वॉच्ड, तो उसमें बहुत दफ़ा जो जॉइंट फैमिली है उसको नेगेटिव लाइट में पोर्ट्रे किया जाता है। आपको लगता है ये ड्रामास और ये फिल्म्स इनका एक इम्पैक्ट होता है? बिल्कुल, क्योंकि हमारी जनरेशन फॉलो ही सोशल मीडिया को करेगा। लेकिन रिसेंटली अभी मैंने एक ड्रामा देखा है, उसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम को सपोर्ट किया गया, तो मेरे लिए बहुत अच्छा था और मैंने मुझे तो देखने में भी वो अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। मुझे लगता है घर में हर वक्त एक रौनक सी रहती है। अगर चूंकि ऑफकोर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूँ, जिन अगर ईद बकरीद पर अगर आप किसी के घर जाते हैं, वो दो एक कपल ही हो तो वो दो लोग अकेले बैठे होते हैं तैयार होकर और कुछ लगता नहीं, और अगर जॉइंट फैमिली हो तो ईद लगती भी ईद है कि बड़े भी हैं छोटे भी हैं। लेकिन कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि हमारा एक मैक्सिमम लेवल होता है कि हम ज़्यादा कुछ हद तक हम सोशलाइजेशन कर सकते हैं, मतलब हमें क्राउड रिक्वायर्ड होता है, लेकिन एक पॉइंट पे फिर हमारा दिमाग थक जाता है और फिर हमें होता है कि अब हमें थोड़ा सा इन सब चीज़ों से दूर एक अपना मेंटल पीस रिक्वायर्ड है, तो उसके लिए फिर ये होता है कि हमें कुछ टाइम चाहिए। तो हम ये नहीं कहते कि हम ज्वाइंट फैमिली को प्रमोट करें और न्यूक्लियर फैमिलीज को प्रमोट करें, लेकिन एक इंडिविजुअल जिस चीज़ में सेटिस्फाई है और उसे लगता है कि उसकी मेंटल कैपेसिटी ऐसी है कि वो सोशल हो सकता है और अपनी ज्वाइंट फैमिली में रह सकता है और इजीली उसकी मेंटल हेल्थ इंटेक्ट रहती है, तो हम यही प्रेफर करेंगे कि वो ज्वाइंट फैमिली में रहे। लेकिन अगर उसे लगता है कि वो न्यूक्लियर फैमिली को प्रेफर करता है तो फिर डेफिनेटली। लेकिन डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा हाथ ईगो का भी आ गया है आजकल के जनरेशन में? क्योंकि पहले अगर आप देखें तो लोग बड़े एक अकोमोडेटिंग होते थे और अगर किसी ने कुछ कहा तो सुन भी लिया कि चलो भाई बड़े हैं डांट रहे हैं सो के। जैसे हमें अगर कोई चचा डांट रहे हैं या कोई ताई डांट रही है कुछ है तो हम कहते हैं अच्छा चलो ठीक है सॉरी नहीं होगा इनका। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है, अगर मैं कभी कहीं जाके लेक्चर दे रहा हूँ तो यूनिवर्सिटी में देखो तो मुझे लगता है कि वो जो ईगो का पैटर्न है वो थोड़ा चेंज हुआ है। सेल्फ रिस्पेक्ट एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई है आजकल और लोग इतने ज़्यादा कॉम्प्रोमाइजिंग अकोमोडेटिंग नहीं रहे, क्योंकि हमने आई थिंक सो अब जैसे जैसे एज बढ़ रही और इन्वायरमेंट और एक्सपीरियंसेस हैं और प्लस सोशल मीडिया, तो उन्हें लगता है कि एज अ इंडिविजुअल इंसान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो और हम स्पेशली हम वेस्टर्न कल्चर को बहुत फॉलो करते हैं और हमें लगता है कि हमारी लाइफ है माई लाइफ माई वे, तो मेरी जिंदगी है जो मैं मर्जी करूँ तो बाकी कोई और सुपीरियर लगता है। लेकिन जनरली देखें, लेकिन वेस्ट के बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेज भी हैं अगर हम देखें तो हमारी पेशेंस नहीं है। हम अगर बात करें तो अपनी जनरेशन में पेशेंस लेवल कम हो गया और पेशेंस लेवल कम को हमने कह दिया वो ईगो है। इवन कि वो ईगो नहीं, शायद उनकी इवैल्यूएशन इस तरह की है, बिकॉज उन्हें लगता है कि वो वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा फॉलो करते हैं, तो उन्हें लगता है कि अगर मदर भी कुछ कह रही है तो वो ये कहते हैं कि बस 18 ईयर्स के बाद आप मुझे कुछ नहीं कहें, मैं कर सकता हूँ जो मेरा दिल चाहता है। अब हमारे स्टूडेंट्स या इवन कि मैं एज अ लेक्चरर अगर यूनिवर्सिटी में जाती हूँ तो स्टूडेंट को भी होता है मिस आपको क्या है अगर हम लेट आते हैं तो ग्रेड्स गिर जाएंगे ना, तो क्या फर्क पड़ता है? अच्छा आप अपने काम से काम रखते हैं। हाँ। मतलब अगर हम माजरत के साथ दैट्स व्हाट द वर्ड से बिल्कुल ऐसे ही माइंड योर ओन बिजनेस, हां तो उन्हें ये होता है कि ठीक है मैं आप तो हम कोई इस तरह का लेक्चर उन्हें दे नहीं सकते कि प्लीज आप इन सब चीजों का ख्याल रखिए, लेट मत आइए। हां फिर हमारे पास हाथ में कुछ चीजें होती हैं कि जैसे हम शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस हो जाएगी, ग्रेड कम हो जाएगा, ये हम कर सकते हैं, लेकिन हम उन्हें ये लेक्चर नहीं दे सकते कि प्लीज टाइम पर आइए।